पंकज और स्वागत है आप सभी का इजी टैग पंकज के एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज से कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, आपने वो देखा भी होगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एयरटेल का जो सबसे छोटा रिचार्ज है 99 का है, जिससे आप अपना सिम क्या कर सकते हैं, एक्टिवेट रख सकते हैं। अब क्या होता है, देखिए दिक्कत कहाँ पे आ रही है, जो देखिए बैड न्यूज ये आ रही है एयरटेल की तरफ से कि उन्होंने 99 जो रिचार्ज था 99 का, उसको क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है अपने सारे प्लान से। आप चेक कर सकते हैं एयरटेल की ऐप में, आप जाके चेक कर सकते हैं कि किसी यूपीआई से आप चेक कर सकते हैं, गूगल पे फोन पे में आप जाके प्लान चेक करिए, तो 99 का जो प्लान था वो उसको आप रिमूव कर दिया है। अब यहाँ पर दिक्कत किन लोगों को आ रही है, देखिए दिक्कत आ रही है जो सिम यूज करते हैं दो, क्योंकि आजकल ड्यूल सिम फोन है सबके, आपके पास भी ड्यूल सिम फोन होगा, एक जियो का सिम आप यूज कर रहे हैं, एक साथ में आप एयरटेल का सिम यूज कर रहे हैं, तो दोनों में से आपको देखिए एक सिम को रिचार्ज कराना ही होता है, साथ में दूसरा आप सोचते हैं किसको एक्टिवेट करने के लिए कम रिचार्ज कराना पड़े। तो यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है, अगर आपका एयरटेल सिम ऐसा है कि आपको चाहिए भी हो और आपको कम रिचार्ज उसमें कराना हो जिससे आपका सिम एक्टिवेट रहे, तो यहाँ पर दिक्कत अब आपके सामने आ जाएगी। क्योंकि दोस्तों रिचार्ज आपको बताइए, किसी भी कंपनी का सिम आप यूज कर रहे हैं, जियो हो, एयरटेल हो, वीआई का हो, सबके रिचार्ज बहुत ज्यादा महंगे हैं, आपको पता ही है इनकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब एक सिम तो आप रिचार्ज कराते ही कराते होंगे, क्योंकि दोस्तों एक सिम तो आपको चाहिए ही चाहिए, लेकिन आप चाहते हैं कि दूसरा सिम भी हमारा एक्टिवेट रहे, तो आप उसमें कम से कम रिचार्ज कराने की सोचते हैं जिससे कि आपका सिम चलता रहे। अब दिक्कत क्या आ रही है, 99 का जो था, एक बार को आप सोचते थे चलो यार इसको करा लेते हैं हमारा सिम एक्टिवेट रहेगा, लेकिन अब दिक्कत क्या आएगी, 99 का रिचार्ज तो है नहीं, और जितने भी जो कम रिचार्ज है वो सब एड ऑन होते हैं, मतलब जो आपका प्लान चल रहा है उसके साथ ही वो एड होते हैं, तो यहाँ पर अब दिक्कत आएगी। तो कौन सा दोस्तों आप रिचार्ज करा सकते हैं, सबसे सस्ता रिचार्ज आप कौन सा होगा एयरटेल का, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर ली है, आप यहाँ पर सामने देख सकते हैं ये हमारे सारे प्लान यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, हमने गूगल पे में ये सारे प्लान यहाँ पर चेक करे हैं। तो अब यहाँ पर क्या क्या प्लान आ रहे हैं आप देख सकते हैं, 19 रुपए का है ये एक दिन के लिए है, 181 का ये 30 दिन के लिए है, 65 का ये मैं जैसे बता रहा था कि सेम एग्जिस्टिंग योर पैक, मतलब आपके पैक पर ये क्या होगा लागू होगा, 239 का है, 199 का, 179 का है, 145 का है, तो सारे रिचार्ज अब 99 से महंगे आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। तो आप कौन सा रिचार्ज आप करा सकते हैं जो सबसे सस्ता हो, तो यहाँ पर आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको एक रिचार्ज यहाँ पर दिखाई देगा आप 155 का, तो 155 में क्या होगा, आपको 24 दिन की वैलिडिटी अब यहाँ पर मिल जाएगी, इसको आप देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने 24 दिन की आपको वैलिडिटी मिलेगी, अनलिमिटेड आप कॉल कर सकते हैं, लोकल एसटीडी, यहाँ पर आपको जो डाटा मिलेगा 1 GB मिलेगा, 1 GB का मतलब पूरे एक महीने के लिए आपको 1 GB मिलेगा, पर डे का ये 1 GB नहीं है, SMS आपको 300 मिलेंगे और फ्री हेलो ट्यून्स मिल जाएगी, सेट एनी सॉन्ग एज हेलो ट्यून फॉर फ्री, विंक म्यूजिक फ्री मिलेगा और बाकी चीजें भी आप इसमें देख सकते हैं। तो ये सबसे छोटा रिचार्ज अब यहाँ पर रह गया है 155 का, क्योंकि जो 65 आपको दिखाई दे रहा है वो तो है सेम एज योर एक्सिंग पैक, मतलब ये आपके जो पैक होगा उसी पर देखिए ये जोड़ दिया जाएगा, आपको 4 GB का डाटा इसमें मिल जाता है। और रिचार्ज हम देखते हैं तो इसका रिचार्ज आपको और दिखाई देगा, एक फिर से 148 का है, ये भी सेम वही है कि इसमें आपको 15 GB डाटा मिलेगा और जो आपका रिचार्ज चल रहा है ये इसमें ऐड हो जाएगा। और एक आपको फिर 118 का है, ये भी वही आपको दिख रहा है इसमें, ये भी आपकी जो रिचार्ज चल रहा होगा उस पर एक्टिवेट किया होगा, इसमें आपको 12 GB डाटा मिलेगा। तो कोई सा भी रिचार्ज अब आपको देखिए यहाँ पर सस्ता नहीं दिख रहा है, केवल 19 रुपये वाला है ये वन डे के लिए, इसमें भी आपको 1 GB डाटा यहाँ पर मिलता है, कॉलिंग की इसमें कोई सुविधा नहीं है। तो अब आप कौन सा रिचार्ज करा सकते हैं, देखिए जैसे मैं आपको बताया 155 का आप रिचार्ज कराइए, इससे क्या होगा आपको देखिए सबसे कम रिचार्ज, क्योंकि यही आपको कराना पड़ेगा, 24 दिन की वैलिडिटी आपको मिल जाती है और क्या होता है 24 दिन के बाद 15 दिन आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है इनकमिंग, जिसमें आती रहती है आपके फोन में, उसके बाद फिर से आपको रिचार्ज कराना होता है। तो यही रिचार्ज रहेगा दोस्तों आपके लिए, जिससे आप क्या कर सकते हैं 155 पर रिचार्ज अपने एयरटेल सिम को आप एक्टिवेट रख सकते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा, आपको जो 99 का रिचार्ज है वो रिमूव कर दिया गया है, मतलब जो 99 का प्लान था वो रिमूव कर दिया गया है। तो अब आप कौन से रिचार्ज से अपना फोन एक्टिवेट रख सकते हैं, 155 का आप देखिए रिचार्ज कराइए और आपका 24 दिन तक जो सिम होगा वो एक्टिवेट रहेगा, आप इनकमिंग आउटगोइंग कर सकते हैं और 1 GB डाटा भी आपको इसमें मिल जाता है। आई होप दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि कौन सा रिचार्ज आपको कराना है अब एयरटेल का अपने सिम को एक्टिवेट करने के लिए, जो सबसे सस्ता है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको मिलते हैं यूट्यूब रिलेटेड और टेक्नोलॉजी रिलेटेड नई नई वीडियो हर रोज। चलो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो बहुत ही जल्द इजी टैग विद पंकज में।